हेलो दोस्तों, अभी हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो चलता तो कछुआ की तरह है लेकिन भागता खरगोश से भी तेज है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो आज हम वो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, और वो कौन सा स्टॉक है आपके सामने देख सकते हैं, इंडसइंड बैंक है दोस्तों। अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1298 रुपीज़ चल रहा है। देखिए 2% की गिरावट है। अब आपको क्या करना है, ये स्टॉक को खरीदना है। वन मोर टाइम, अब आपको क्या करना है, ये स्टॉक को खरीदना है। वन मोर टाइम बोल दूँ, रहने दो, ठीक है। तो ये स्टॉक को दोस्तों आपको खरीदारी करके चलना है, ठीक है। ऐसे स्टॉक को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो और सबसे पहले तो मैं आपको चार्ट दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। ये स्टॉक का प्राइस देखिए पूरा गिरा हुआ है, तो स्टॉक हमें कहाँ मिल रहा है दोस्तों, पूरा जो है बॉटम पे मिल रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ पर डबल बॉटम बना दिया तो उसके बाद तो ये बहुत ऊपर तक जाएगा। तो अभी जो है थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस बैक लेने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्टॉक है ये काफ़ी गिर चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये 1800 का हाईएस्ट मारा था। 1800 का हाईएस्ट मारने के बाद ये स्टॉक जो यहाँ पर देख सकते हैं 1200 के आसपास ले चुका है दोस्तों, और ये देखिए डबल बॉटम बना चुका है। रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस की तरह जो है ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये स्टॉक चलेगा कैसे दोस्तों, कछुआ की तरह, लेकिन भागेगा तो कैसे, खरगोश से भी तेज। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है, तो अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों, क्योंकि पैसा पैसे से नहीं बन सकता, पैसे को आप पैसा से नहीं बना सकते, पेशेंस से आप पैसा बना सकते हो। स्टॉक देखिए आपको जो है पूरा नीचे वाले ये पे मिल रहा है दोस्तों, पूरा मतलब डाउन हो चुका है। 1 ईयर में देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जो है लॉस ही लॉस मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक में अभी देखिए थोड़ा बहुत अपर सर्किट आ सकता है। 12% का देखिए नेगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ में देखिए 9% का, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में अभी देखिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, और जितने हमारे ब्रोकरेज हैं वो भी यहाँ पर थोड़ा बुलिश है। यहाँ पर आपको 75% बताया जा रहा है कि आप जो है ये स्टॉक पे खरीदारी करके चल, ये अगर थोड़ा बहुत डिक्रीज होता है तो आपको डरने वाली दिक्कत कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो यू शेप लेके ऊपर जाते हैं और जे शेप लेके ऊपर जाते हैं। जो जे शेप लेके ऊपर जाता है दोस्तों वो तो खतरनाक हो जाता है, लेकिन यू शेप वाले थोड़ा अच्छा प्रॉफिट देते हैं, लेकिन थोड़ा जितना थोड़ा सा गिरता है, गिरने के बाद वो बाउंस बैक लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टॉक में बने रहना, ठीक है। अगर हम देख सकते हैं दोस्तों और भी अदर्स बैंक में, तो यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैंक में 17% का रिटर्न दिया है 1 ईयर में, ठीक है। ICICI बैंक ने तो कमाल कर दिया दोस्तों, 50% का रिटर्न दिया, बहुत अच्छा रिटर्न है। उसके बाद तो कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो है आपके सामने ये टॉप है, ठीक है। ये टॉप में दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक तो अभी भी कमाल करेगा। एक्सिस बैंक, चलिए ये तो लॉस ही दिया है, क्योंकि अगर 1 साल अगर आप फिक्स डिपॉजिट ही करवा देते, FD ही करवा देते, तो वहाँ पर आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल जाता। बंधन बैंक ने देखिए 3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा अपने रेडार से हटा के रखना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस क्यों गिरा, कैसे गिरा, वो भी यहाँ पर बता दिया जा रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल ट्रेंड आपको दिखा दिया जाता है। जो कंपनी का असेट है, असेट क्या है इसमें दोस्तों, कैश जो है वो कंपनी के लिए असेट है, बैंक के लिए असेट है। देखिए अगर उसमें थोड़ा सा भी डिक्रीज आता है, डाउनफॉल आता है, तो बैंक को थोड़ा सा लॉस सफ़र करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि उसके पास अगर असेट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसका जो है शेयर प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2016 में कितना था, 2.28 क्या था दोस्तों प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 2.28 था, ठीक है। अगर आज के डेट में 2019 में देखते हैं तो 3.30 तो है, लेकिन यहां 2018 और 2019 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहीं पर ये बैंक जो है फंस गया था, ठीक है। और उसके बाद ये जो है धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। 3.60 था, 3.30 हो गया, ठीक है। 0.30 जो है इसमें डिक्रीज आया है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर रेवेन्यू में देख लेते हैं तो दोस्तों रेवेन्यू कितना था, 15 था, आज के डेट में देख लीजिए कितना है, 30। तो रेवेन्यू बहुत हेवी ग्रोथ हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो 15 से 30 हो गया दोस्तों, मतलब डबल हो गया। तो देखिए बैंक ग्रो तो हो रहा, टाइम मिलेगा, लेकिन ग्रो अच्छे से होगा। और एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों ये बैंक में, कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग बहुत कम है, ठीक है। प्रमोटर्स के पास होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन जो आगे पीछे लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है होल्डिंग को ले लिया है। वो कौन है दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने जो है अपना होल्डिंग को 3.12% से इंक्रीज़ किया है। कौन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले, ठीक है।
प्रमोटर्स के पास देख लेते हैं क्या, प्रमोटर्स के पास दोस्तों 14% है, 14% में से 3% जो है होल्डिंग में है, म्यूचुअल फंड के पास 10%, बहुत ज़्यादा दोस्तों, म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा, कहीं भी किसी भी स्टॉक में अगर लेंगे तो 2-4% के आसपास ही लेते हैं, अगर यहाँ पर 10% लिए हैं तो कुछ तो बात होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वाले ने 14 या 15% लिया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन तो यहाँ पर पूरा भर ही लिया दोस्तों, 55% के आसपास है, ऐसा माना जा रहा है जैसे कि यही प्रमोटर्स हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्रमोटर अदर्स को कितना मिला, तो अदर्स को जैसे कि कम मिलता है वैसे यहाँ पर पब्लिक को थोड़ा सा दिया गया है। और यहाँ पर ये जो बैंक का पीई रेशियो है वो थोड़ा हाई है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा जो लोग भी इंदुसेंड बैंक को खरीदेंगे, मैं बोलूँगा मैंने इसका थंबनेल साफ साफ डाला है कि दोस्तों ये स्टॉक जाएगा धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे जो है कहाँ जाएगा, अपर सर्किट में जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसे बैंक में, तो आप पैसा ऐसे बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा करके आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए महीने 2 महीने में थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पैनिक हो जाते हैं और होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए नहीं है भाई, ठीक है। जो पैनिक हो जाते हैं, पैनिक हो जाने के बाद वो अपना पेशेंस खो देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा स्टॉक खरीदना सही नहीं होगा। बाकी पब्लिक है, सब जानती है, अपना भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, आगे पीछे देख लीजिएगा खरीदने से पहले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपने लिए, ताकि सही से वीडियो आप तक पहुँच पाए, ठीक है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।